हेलो नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत एक बार स्वागत करता हूं आपका। साथियों, आईपीपी पोस्टल बैंकिंग माइक्रो एटीएम ट्रेनिंग जो जीडीएस और बीपीएम को दी जानी है वाली है दोस्तों, उसके कुछ टॉपिक्स हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा मतलब एक या दो वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे वीडियो और मतलब थोड़ा सा बोर होने लगेंगे, तो इसलिए क्या है कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, पाँच पाँच दस दस मिनट के, तो दोस्तों ताकि अपने को देखने में भी दिक्कत ना हो और थोड़ा सरदर्द भी ना बने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज के टॉपिक में बताता हूँ कि बैंकिंग का जो ओवरव्यू है वो क्या है। तो क्या होती है बैंकिंग, किस तरह से मतलब किस तरह के बैंक होते हैं, किस तरह के प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, SBI किस तरह का बैंक है। तो साथियों ये जो बैंकों का ओवरव्यू क्या है कि मतलब बैंक क्या चीज़ है, कहाँ से कौन मतलब इनको रेगुलेट करता है, बैंकों का काम क्या है, किस तरह से बैंक बढ़ते हैं, बैंक किस तरह से काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट है, आगे आने वाली वीडियो वो आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो सके। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं, तो देखते हैं कि जो ये सेशन है इसके अंदर जो अपने क्या जानेंगे कि वीडियो जो बैंकिंग क्या है, बैंकों के रोल क्या है, जो उनके अलग अलग तरह के खेल क्या हैं, रेगुलेटर उनको कौन वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल कौन रखता है उन पर, RBI क्या है, SEBI क्या है, IRDA क्या है, और जो विभिन्न तरह के जो बैंक हैं कौन कौन से हैं, और जो इसमें जो अपना जो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसका क्या सर्विस है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंक क्या है। ये साथियों ये कौन है, पब्लिक कस्टमर ये बैंक है, ये क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, बैंक क्या करेगा, इनसे पैसा लेगा यानी टेक मनी करेगा, ठीक है दोस्तों। ये अब इनसे मतलब इनको चेकबुक दे दी, QR कार्ड दे दिया, वॉलेट दे दिया, इस तरह से इनसे पैसा ले लिया, बदले में ये चीज़ें दे दी। अब दोस्तों बैंक क्या करेगा, इनको 8% इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए FD करवा ली एक साल के लिए, दो साल के लिए, 50,000 रुपये, 1,00,000 की FD करवा ली, उसको 8% के हिसाब से कस्टमर को इंटरेस्ट देता है बैंक। दूसरी तरफ बैंक क्या करेगा उस पैसे का, बैंक लोगों को लोन या क्रेडिट देगा, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन, जो भी है। तो क्या करेगा, पैसे को एक तरफ पैसा ले रहा है, एक तरफ पैसा दे रहा है, और उधर जब पैसा दे रहा है तो क्या लेता है उनसे, 14% ब्याज, इधर क्या देता है, 8% ब्याज, यानी टोटल उनका प्रॉफिट कितना हो गया, उन्होंने कितना पैसा बना लिया, 6%। अब जो उनका रोल है वो क्या है, इस बीच में क्या रोल रहा उनका, एक मीडिएटर का रोल रहा, भाई पैसा एक व्यक्ति का पैसा उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के वो पैसा ले लेना, एक ज़रूरतमंद तक वो पैसा पहुंचा देना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले के जो अपना बीच का खर्चा है वो इसमें इंक्लूड करके उससे इंटरेस्ट लेना। तो दोस्तों आगे क्या है कि ट्रांजेक्शन करता है, उनके जमा निकासी करता है, पेमेंट का क्या सिस्टम बनाया है, फाइनेंशियल जो सलाहकार रोल है उनका। अब क्या है दोस्तों कि जो बैंक है वो पैसा लेता है पब्लिक से उधार और पब्लिक को एक लोन के रूप में दे देता है, ये एज ए मीडिएटर करता है। ट्रांजैक्शन में क्या करता है, व्हाट इज पेमेंट, पेमेंट क्या है, मान लीजिए किसी को लोन की किस्त देनी है, इंश्योरेंस की किस्त भरनी है, बीमा की किस्त भरनी है, टिकट बुक करवानी है, किसी को कहीं पैसे भेजने हैं, किसी को उधार देना, इस तरह क्या चीज़, ये मतलब एक तरह से पेमेंट, किसी को बदले में सेवा के बदले में पैसा देना पेमेंट है। पेमेंट सिस्टम क्या है, या तो बैंकों के थ्रू होगा, ठीक है, बैंकों के अलग अलग सिस्टम है, कोई फास्ट सिंपल ट्रांसपेरेंट या लीगल तरीके से करवाए, और जो जिससे क्या है कि ब्लैक मनी पे भी
थोड़ी लगाम लग सके। फाइनेंशियल एडवाइजरी रोल के तौर पे क्या करता है कि एक फसल के तौर पे क्या करता है, कैसे उत्पाद करता है, जैसे सेविंग, TDRD, म्यूचुअल फंड, इस तरह से एक फसल पैदा करता है। ये स्कीम्स, सेविंग नाम का पौधा लगाया, TD नाम का लगाया, म्यूचुअल फंड का नाम, और जो रिस्क कैसे कम करता है बैंक, रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जितने भी क्रॉप इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस है। अब जो व्हाट इज ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास क्या है, ये देखिए। तो दोस्तों ये कितनी अमाउंट है यार, 21,250, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम से ज़्यादा ही हो गया कुछ। तो ये क्या चीज़ है, ये है रेगुलेटर्स, मतलब जो एक तरह से कंट्रोलर बोलते हो आप, रेड लाइट। तो रेगुलेटर्स क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं बैंक, रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में रिजर्व बैंक आता है, उसके अंदर जो एक आता है SEBI, एक आता है IRDA जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, SEBI म्यूचुअल फंड पे कंट्रोल करता है। अब जो रिजर्व बैंक का रोल क्या है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, मुद्रा को जारी करना, और जो बैंकर से सरकार को जो सेवा देना है, और बैंकर से बैंक को पैसा देना, ये काम किसका है, RBI का। SEBI का क्या काम है, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, 1988 में आई थी, म्यूचुअल फंड के मार्केट को रेगुलेट करती है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, ये साथियों जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी जितने भी प्रकार की है इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस, उसको कंट्रोल करने की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो IRDA। अब कुछ बैंकों के नाम आप बता सकते हो, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, आंध्रा बैंक हो गया, इलाहाबाद, PNB, SBI, इस तरह के जिनको आप सरकारी बैंक के तौर पे जानते हो। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन से हैं साथियों, यही जैसे HDFC, ICICI, कुछ तरह के बैंक है, धनलक्ष्मी। तो उसी तरह दोस्तों एक पेमेंट बैंक है, अब आइए जानते हैं इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, जैसे कुछ पेमेंट बैंक आए थे, पेटीएम हो गया, आइडिया, एयरटेल, फिनो, पेमेंट बैंक क्या है, तो आइए जानते हैं दोस्तों, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये रेगुलेटर यानी रेड बत्ती जैसे अपने रोड पे लगी होती है चौराहे पे, ये रेगुलेटर क्या काम करता है इन बैंकिंग सेक्टर। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर रिजर्व बैंक आता है, RBI, SEBI आता है, IRDA आता है, और जो रिजर्व बैंक है उसका रोल क्या है, वो बैंकों को, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मुद्रा को जारी करता है, दूसरे सरकार को पैसा देता है, बैंकों को पैसा देता है। SEBI का काम क्या है, SEBI का काम है म्यूचुअल फंड से संबंधित स्कीम को रेगुलेट करना, IRDA का है इंश्योरेंस से संबंधित, जैसे जनरल लाइफ जो भी इंश्योरेंस है उसके अंदर। और कुछ बैंकों के नाम दोस्तों आप जानते ही होंगे, जैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, PNB बैंक, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, IDBI, HDFC, ICICI, इनके बारे में आप जानते हो। पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, पेमेंट बैंक जैसे पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, आइडिया, इस तरह से जो पेमेंट बैंक है उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि मतलब पेमेंट बैंक के मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश क्या होता है, कि जो अनरीचेबल पॉपुलेशन यानी ऐसी जनसंख्या जिसके पास पहुंचा भी नहीं जा सकता, उन लोगों तक बैंकिंग की सेवाएं देना, वो काम कौन करेगा, IPPP, ये उसका उद्देश्य है। तो उसके लिए अनेक तरह की योजनाएं बनाई गई है, क्या करना है, क्या लाभ देंगे, कैसे उन लोगों तक आर्थिक सुविधा पहुँचाना ही वित्तीय समावेश है दोस्तों। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, वो है अपने मजदूर वर्ग, कम इनकम वाले लोग, छोटे व्यापारी लोग हैं, सब्सिडी वगैरह डेबिट बेनिफिशियर हैं, वुमेन हैं यानी महिलाएं, बुजुर्ग, और कुछ छोटे मोटे सेक्टर के जो बिजनेस धंधे हैं दोस्तों।
अब इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक है वो क्या करेगा उन लोगों के साथ, उनसे डिपॉजिट करेगा, उनका उनको क्यूआर कार्ड देगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा उनको, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड वगैरह वो उनको बेचेगा, कुछ घरेलू जो इधर उधर उनको पैसा भेजना है वो काम करेगा, दूसरी बॉर्डर से पार भी भेजने का काम है वो भी करेगा पैसा, और बिल पेमेंट करेगा, उनके मोबाइल वगैरह रिचार्ज ट्रांजेक्शन करेगा, और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस और लोन के लिए पार्टनर बैंकों से उनके प्रोडक्ट को उन लोगों के बीच में बेचेगा। तो दोस्तों जो ये पेमेंट बैंक का खाता है इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 1,00,000 रुपये एक दिन के अंदर एक बंदा बैलेंस रख सकता है, इससे ज़्यादा उसके खाते में बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आरबीआई से भी आईआरडीए आरबीआई के अंदर आते हैं सारे बैंक्स एनबीएफसीज, एसएबी के अंदर कैपिटल मार्केट आता है, आरडीआई के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज आती है। बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉरपोरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल फाइनेंशियल और पेमेंट बैंक, और कॉरपोरेटिव में अर्बन और स्टेट बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक, और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें एसबीआई ग्रुप, नेशनलाइज बैंक, ओल्ड बैंक, न्यू बैंक, और दोस्तों इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के अंदर आईपीबीपी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आता है। अब इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक क्या करते क्या करेगा क्या कर सकता है, डिपॉजिट के तौर पे क्या करेगा, सेविंग अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट खोलेगा, रेमिटेंस में क्या करेगा जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस, मतलब किसी के दूसरे खाते में पैसा भेजना ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी के खाते में जैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर देना, जैसे आपका खाता यहाँ आईपीपी के अंदर है, एक खाता आपका बैंक एसबीआई के अंदर है, आप ऑनलाइन उस खाते को इसके थ्रू रेमिटेंस के थ्रू उस खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो अमाउंट को। गवर्नमेंट की जो सर्विस है जैसे नरेगा है, जो सब्सिडी वगैरह ट्रांसफ़र होने का डीबीटी सिस्टम है, टैक्स जैसे टैक्स लेना हो, कलेक्शन करना हो, इनकम टैक्स या जीएसटी, थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल लोन, इंश्योरेंस, बिल जो अपने क्या नाम यूटिलिटी बिल है, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इस तरह के बिल पेमेंट करेगा। मर्चेंट के जो पेमेंट है वो क्यूआर कार्ड के द्वारा ओटीपी से वो करेगा, जैसे किसी ने करंट अकाउंट खुलवा रखा है उसको पेमेंट देना, मतलब व्यापार को थोड़ा सा इजी बनाना, डिजिटल बनाना। दोस्तों इस तरह की जो स्कीमें हैं, अब मैं शायद सोच रहा हूँ कि मतलब आपको अच्छे समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो लाइक लगाओ तो लाइक करें इसको, अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे मैं भी मुझे भी लगे कि शायद अच्छा बन रहा है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि यार पता नहीं आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।